सर्व धर्मांसाठी जामखेडमध्ये शतावधान पहिल्यांदा संपन्न झालंय. साध्वी परमपूज्य प्रफुल्लजी महाराज यांनी मार्गदर्शन केलंय. या कार्यक्रमाच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये जामखेडचे पोलीस निरीक्षक महेश पाटील, उद्योगपती शांतीलालजी गुगळे, डॉक्टर प्रताप गायकवाड, डॉक्टर सुरेश काशीद, विश्वदर्शन न्यूजचे संपादक गुलाब जांभळे, उमेश काका देशमुख, कॅप्टन लक्ष्मण बोरे हे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पोलीस निरीक्षक महेश पाटील, असा अद्भुत कार्यक्रम आज मी पहिल्यांदाच पाहत आहे. विचारलेल्या 100 प्रश्नांचे काही कालांतराने क्रमवार न चुकता माहिती सांगून साध्वीजी परमपूज्य गरिमाजी महाराज आणि दीक्षाथ्री मोक्षाजी चोपडा यांनी खरोखर कौतुकास्पद काम केलं आहे. खरे पाहता आज जनमानसातील लोकांना वेळ नसतो, परंतु या जैन साध्वी पायी अनुमानी उन्हा तानाचे चालून जैन धर्माचा प्रसार आणि प्रचार करतात, याबद्दल खरोखर अभिमान आहे. यावेळी बोलताना जैन कॉन्फरन्सचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय कोठारी म्हणाले, कोटा संघ प्रमुखा परमपूज्य श्री प्रतिभाजी मसा यांच्या लहान भगिनी आयंबिल आराधिका परमपूज्य श्री प्रफुल्लाजी महाराज साहेब यांच्या सुशिष्या परमपूज्य गरिमाजी महाराज साहेब आणि मुमुक्षु मोक्षाजी चोपडा यांच्या उत्कृष्ट साधनाने अद्भुत स्मरण प्राप्त शक्तीच्या प्रती जनमानसामध्ये श्रद्धा भाव जागृत करणे यास शतावधान कार्यक्रम पूर्ण झाला असे म्हणतात. अद्भुत स्मरण शक्तीचा चमत्कार, जैन धर्मकडून शत म्हणजे 100 प्रश्न लक्षात ठेवणे, विचारलेल्या प्रश्नांचे अनियमित क्रमाने उत्तर देणे, आत्मामध्ये व्याप्त असंख्य शक्तीने अकल्पनीयद्वारा प्रश्नाचे उत्तर देणे, माता सरस्वतीची साधना एवन गुरुकृपाच्या प्राप्त आध्यात्मिक अद्भुत शक्तीचे चष्मदित साक्ष बनण्याचा प्रसंग, शतावधानमध्ये उपस्थित जनसमुदायाद्वारा विचारलेल्या गेल्याचे प्रश्नाचे उत्तर साध्वी परमपूज्य गरिमाजी महाराज साहेब आणि वैरागमन मोक्षाजी चोपडा यांच्याकडून पूर्ण झाला आहे. या कार्यक्रमासाठी जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष कांतीलाल कोठारे, जैन कॉन्फरन्सचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय कोठारे, ललित बापना, महेश भंडारी, सुभाष बळगट, अशोक पितळे, कांतीलाल बळगट, सुभाष भंडारी, चंदूलाल बेदमुता, लकीचंद बापना, संजय गुंदेचा, सुनील पितळे, अमोल तातेड, कुंदनमल भंडारी, शीतल गांधी, अमृत कोठारे, दिलीप गुगळे, शरद शिंगवी, जवाहर गुंदेचा, लीलाचंद मंडलेचा, प्रकाश पितळे, नितीन सोळंकी, गणेश बळगट आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन वर्धमान श्रावक संघ जामखेड, धर्मोदय एकता मंच, जय गुरु गणेश मंडळ, आनंद भाऊ मंडळ, कन्या मंडळ आदी उपस्थित होते. व्यक्ति मिलता है, बच्चा लिख सकता है, जो हमारे क्लास पूरे करता है वो लोग यह सब कर सकते हैं. पर करने के लिए उनको पूरा साधना का समय देना पड़ता है. ऐसे क्लासेस हम लोग लेते हैं. यदि आप खुद अपने बच्चों को क्लासेस करवाना हो तो आप हम लोगों से संपर्क करना, आपको भी वो क्लासेस आपके बच्चों को भी हम लोग करवा सकते. मार्केट के अंदर ये क्लास नहीं होते. मार्केट के अंदर हमारे पहले लेवल के क्लास होते हैं. पहले लेवल वो है आंखों के ऊपर प्रतिभा कर कलर पहचाना और नाम वगैरह पहचाना, बस यही पहले लेवल है. ये मार्केट में पैसे देकर मिड ब्रेन के नाम से ये क्लासेस चलते हैं. पर हम लोग जो करवाते हैं वो ओरिजिनल जैन के मंत्रों के द्वारा, जैसे उपनयन सूत्रा 11वां अध्याय, भक्तांबर का चक्र श्लोक, गुरु गणेश अष्टक और वज्रायन की मुद्रा के साथ हम एक क्लासेस करवाते हैं. और आगे जब लेवल बढ़ती है तो 10वें खंड के 8वें अध्याय की गाथाएं और नंदी सूत्र की 5 गाथाओं की साधना करवा के ये अवधान तक पहुंच सकते हैं. मैंने अभी तो आपको सूक्ष्म माइंड के अंदर ये प्रोग्राम जब कर जाते हैं तब व्यक्ति हर बात कर सकता है, हर चीज कर सकता है. पर जब वह सूक्ष्म माइंड उसका जाग जाए तब, और सूक्ष्म माइंड जगाने के लिए शुद्ध देवी की आराधना, सरस्वती देवी की आराधना करता होता है. हम लोगों का शिविर है जाना है बच्चों का 21 तारीख को. बच्चों को एक बार शिविर में भेजो, भेज के देखो. मुद्रा, योगा, प्राणायाम, तीर्थंकर परमात्मा को जिस आसन से केवल ज्ञान हुआ था, उन आसनों के द्वारा हम बच्चों के बैड हैबिट को निकालते हैं. जिस आपको मालूम है
दिलेल्या जातात। प्रतिनिधी किरण रेडेसह अशोक वीर, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड।